हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने जनवरी में एलटी का एग्ज़ाम दिया था, सहायक अध्यापक का, उसके संबंधित ये सूचना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सूचना है। देखिए, यहाँ पे आयोग ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उसने बोला है कि जो TET क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ अपने TET के मार्क्स अपलोड कर दें UK SSC की वेबसाइट पर जाके, उसके बाद ही LT का रिजल्ट पब्लिश होगा। इसमें केवल 4 विषय, गृह विज्ञान, व्यायाम, संगीत व कला विषय, इनको छोड़कर जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं LT से संबंधित, उन सभी में TET क्वालिफाई होना कंपलसरी है। और उनके TET जो क्वालिफाइड लोग हैं, प्लीज़ उन तक ये सूचना पहुंचा दें कि उनको अपने TET क्वालिफाइड मार्क्स को अपलोड करना है UK SSC की साइट पर। वहाँ पर एक लिंक भी पब्लिश हो चुका है आयोग के द्वारा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इस सूचना को दे दें अपने आसपास, जो भी आपके आसपास लोग हैं जिन्होंने LT का फॉर्म भरा था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 7 अप्रैल तक, ठीक है, जो इसका टाइम पीरियड है, केवल 7 अप्रैल तक आप ये कर सकते हैं, उसके बाद नहीं होगा। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और बताएँ अपने आसपास के जितने भी लोग थे जिन्होंने LT का एग्ज़ाम दिया था, तो जल्दी से जल्दी इसको आप सबमिट कर दें, ठीक है, TET के मार्क्स को। बाकी इसमें 4 जो है, देख लीजिए, सभी लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो गृह विज्ञान, व्यायाम, संगीत व कला विषय वाले हैं, उन्हें TET की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो इनसे एग्जेम्प्टेड हैं। बाकी केवल 8 विषय जो हैं बचे हुए, इंग्लिश, हिंदी और सोशल स्टडी, जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए TET ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको देख लें और इसको फिलअप कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ इसको शेयर करें और लाइक करें।